Welcome, friends. Uh, today's our topic is biopesticides. Since last two to three classes, we are studying the biopesticides, in which we have already studied about the microbial pesticides. In microbial pesticide, we have learned about the uh, bacterial species, uh, pesticides, viral pesticides. Okay, uh, in that now it's time to learn about the bio fungal biopesticides. Actually, fungi is the specifically uh, associated with insects. Okay. अपाइड्स थ्रिप्स मेयरली बर्ग्स वाइटफ्लाइज स्केल इंसेक्ट मॉस्किटोज एंड माइट्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द एंटोमोपैथोजनिक फंजाए उनको एंटोमोपैथोजेनिक फनजाई भी कहा जाता है ऑब्लीगेट और फैकल्टेटिव कमिन्सल्स और सिम्बोन्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स फनजाइज आर द ऑब्लीगेटिव ऑब्लीगेट और फैकल्टेटिव कमिन्सल्स ऑफ सिम्बोट्स ऑफ इंसेक्ट्स ओके वो उनके साथ एसोसिएशन फॉर्म करके लगते हैं एक्चुअली देयर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ फनजाए दे कैन बी एक्ट एज अ बायोपेस्टिस एंड दैट फोर मेजर ग्रुप्स आर लेबिलोबेनियल्स पायरिनोमाइसिट्स हाइपोमाइसिट्स एंड जाइगोमाइसिट्स तो ये चार ग्रुप है फंगल्स के जो कि बायोपेस्टिसाइड्स बोल के एक्ट होते हैं जिनका यूज़ या उनके प्रोडक्ट्स उन्होंने सिंथिसाइज़ किए हुए प्रोटीन सब्सटेंस जो भी हैं दैट कैन बी एक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड वो एक्ट होते हैं बायोपेस्टिसाइड्स बोल के तो आज का ये टॉपिक है हमारा फंगल बायोपेस्टिसाइड्स फंगल बायोपेस्टिस इंक्लूड्स ब्लू वट दे डू ओके फंजाई अटैक द होस्ट वाईमेंट और गट इप एंड देर दे इन द इंटेगूमेंट्स तो यह क्या करते हैं होस्ट जो होता है जिन पे ये अटैक करते हैं उनके गट गट के और इपिथिलियल सेल्स पे वो अटैक करते हैं उनके इस पे और वहाँ पे वो उनका कोनिडिया इस्टेब्लिश करते हैं उनके जॉइंट्स और इंटमेंट्स में तो ये चार आ, मेजर फाइव फा, फा, वाइडली यूज स्पेसीज हैं ब्यूवेरिया बेसियाना एनिसोफिली, रिलेई फेरिनोस लिकैनी तो ये ये एक्ट होते हैं पेस्टिसाइड्स फंगल बायोपेस्टिसाइड्स बैक्टीरियल का हमने एग्जाम्पल देखा मोस्ट वाइडली यूज इज द बैस्युलरिन वायरल का भी हमने देखा बकुलो वायरस ओके नाउ इट्स टाइम टू सी द फंगल पेस्टिसाइड्स फंगल पेस्टिसाइड्स एक्चुअली बेसियाना एंड एनिसिफेली कॉजेस मेराइडी ओके ब्यूवेरिया एंड मेटराइजीना बेसियाना एंड एनिसिफेली कॉजेस मे यू कैन इन इंसेक्ट डिसीज एंड आफ्टर किलिंग द होस्ट कैंडिवर्स बिकम म्यूमिफाइड और कवर्ड बाय माइसिलियम ग्रोथ ओके जो भी है होस्ट uh, को किल करने के बाद वो पूरा उनका माइसिलियम ग्रोथ जो भी है उससे उसको कवर कर लेते हैं ग्रोथ कर लेते हैं देर इज आना द स्पीसीज दैट इज द स्ट्रिप्टोमाइसिट्स विच प्रोड्यूस टॉक्सिन ओके एंड दैट मोस्ट एक्टिव टॉक्सिन इज द एक्टिनोमाइसिन ए साइक्लोहमाइड एंड नोवा बायोसिन ओके तो स्ट्रिप्टोबाइसिन भी एक बायोपेस्टिसाइड है जो क्या करता है एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है रोटॉक्सिन का नाम है एक्टिनोमाइसिन एंड साइक्लोहेक्सामाइन एंड नोवा बायोसिन तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होने वाला है एक्टिनोमाइसिनस ओके okay. तो स्पाइनोसिनस आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सेकेरोपोली स्पाइनोसा एंड आर एक्टिव अगेंस्ट डेप्टेर हेमनोटेरन्स एक्सेट्रा एंड लेस एक्टिव अगेंस्ट कोलेप्टेरेंस एंड एफाइड्स एंड निमेटोस तो स्पाइनोसिनस जो आइसोलेट किया जाता है स्क्लेरोपोलीस्पोरा स्पाइनोसा से तो वो डिप्टेरेंस के अगेंस्ट मोस्ट एक्टिव होता है और कोलेप्टेरेंस के अगेंस्ट लेस एक्टिव होता है तो ये कुछ फंगल स्पेसिस हमने आज डिस्कस की है ओके लेट्स सी अबाउट द प्रोटोजूवन बायोपेस्टिस ऑल दे इनफेक्ट द पेस्ट इंड्यूस क्रॉनिक एंड डिबिलिटेटिंग इफेक्ट्स ऑन टारगेट द यूज ऑफ प्रोटोजुआ एज अ बायोपेस्टिसाइड हैज़ नॉट बिन वेरी सक्सेसफुल तो इनका यूज पोटोजुआ का बायोपेस्टिसाइड इतना सक्सेसफुल नहीं है उसके रिजल्ट इतने नहीं है लेकिन इवन दो माइक्रोस्पोरन प्रोटोजोआन आर यूज एज ए पॉसिबल कम्पोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तो माइक्रोपोरन प्रोटोजोआ जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है माइक्रोस्पोरिडिया आर यूबिक्यूटस ऑब्लिकेट इंट्राशुलर पैरासाइड्स तो ये पैरासाइट्स है पैरासाइट है उसका एग्जाम्पल है नोजेमा एंड वहरियो मोर्फा हैव सम पोटेंशियल टू अटैक लेपिडोपटेरन एंड अर्थोपटेरियन इंसेक्ट्स तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है नोजेमा एंड वहरी वहरीमोरफा तो इनके अगें इनमें कुछ पोटेंशियल है कि जो लेपिडोपटेरियन के लिए और, और अर्थोपटेरन के इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं उनको अटैक कर सकते हैं तो ये कुछ प्रोटोजोवन बायोपेस्टिसाइड्स भी है एग्जाम्पल तो ये नोजेमा पायरोसटा एग्जाम्पल है uh, जो हमने पहले देखा प्रोटोजुवन बायो पेस्टिसाइड्स का नोजेमा एंड वेरीमोर्फा उनमें कुछ पोटेंशियल था एक्चुअली प्रोटोजोआ ज़्यादा एक्टिव नहीं है उनका ज़्यादा यूज़ नहीं है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में लेकिन ये कुछ स्पेसीज है प्रोटोजुआज के दैट वी कैन यूज़ एज अ बायो पेस्टिसाइड नोजेमा पायरोटा इट इज़ अ माइक्रोस्पोरेडियन विच इन्फेक्ट यूरोपियन कॉर्न बोरर एंड ऑस्ट्रीनियन न्यूविलियस तो कॉर्न बोरन के अगेंस्ट ये एक्ट करती है तो क्या होता है आर uh, uh, in so, है बाय द कॉर्नबोर कॉर्नबोर स्पोर्स ऑफ नोजेरा एंड इन टू मिड गट सेल तो ये वहां पे जर्मिनेट होते हैं कॉर्नबोर नोजेमा पायरोटा के जो स्पोर्स होते हैं उनको खाते हैं खाने के बाद वो उनके मिड गट में एंट्री होते हैं और मिड गट सेल को वो इन्फेक्ट करते हैं ओके एंड आफ्टर आफ्टर दैट द स्पोरोप्लाज्म रिप्रोड्यूस एंड दे फॉर्म्स मोर स्पोर्स विच कैन इन्फेक्ट अदर टिश्यूज तो एक बार वो इन्फेक्ट हो गए इंजेक्ट हो गए स्पोरोप्लाज्म में स्पोरोप्लाज्म से उन्होंने एंट्री ले ली मिडगट में मिडगट में एंट्री लेने के बाद वहाँ पे वो और ज़्यादा स्पोर्स फॉर्म करते हैं एंड दैट स्पोर्स आर रेडी टू इन्फेक्ट अदर टिश्यूज आल्सो ऑल्सो सच अ वे दे एक्वायर रजिस्टेंस एक्न दैट बेस्ट और कॉर्न बोलर स्पेशली Okay, and spores in infected midgut cells are slotted into the gut lumen and, and are eliminated along with the feces to the plant. So, ye Nozema pyroceta example. The next example is Nosema pyriforme. The, these spores remain viable and consumed during larval feeding, so that infections is repeated in midgut cells of a new host. And this this is horizontal transmission. Nosema can be passed by vertical transmission. तो हरीजेंटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन से दोनों से भी ये पास हो सकता है नोजिमा एज द इन्फेक्टेड फीमेल लार्वी डेवलप्स टू एन अडल्ट द ओवेरेंट टीश्यू एंड डेवलपिंग बिकम इन्फेक्टेड तो जो भी कॉर्न बोरर ने खा लिया खा लेने के बाद वो जो अडल्ट बनता है तो उसके ओवेरेंट टीश्यूज़ को भी इसमें इन्फेक्टेड होता है और न्यू नेक्स्ट जनरेशन को भी इसका ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है इन्फेक्शन होता है ओके द एम्बरी एंड हैच लार्वी इज

नहीं होते हैं ओके लेट्स सी द डिफरेंट माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स इन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन टू प्रोड्यूस एंटी पेस्ट केमिकल कंपाउंड्स तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं एंटी पेस्ट केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं और वही कंपाउंड को यूज करके हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं तो एंटीसेक्टन कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम नॉन फिलामेंटस बैक्टीरिया एग्जांपल अमाइनो आमाइनोलेविल एसिड थान थोरिन जेनो जेनोर हैबिडींस तो ये कुछ कंपाउंड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं और जिनका यूज़ हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं एक्टिनोमाइसिट्स फन एग्जांपल एक्टिनोमाइसिन फंगस का देखोगे हम बायोपेस्टिसाइड अगर फंगस कौन सा केमिकल करता है तो एक्टिनोमाइसिन ए एवेरोमेक्टिन ए सिट्रोमाइसिन निकोमाइसिन स्पिनोसिनस वेरियस साइक्लिक पेप्टाइड्स ओके एंड सेल आर वेल नोन एज द टॉक्सिन ग्रोथ एंटीफिडेंट्स एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर तो ये जो पूरे कंपाउंड है जो माइक्रोवेंथिस करता है और जिनका यूज हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं तो उनको हम फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रप्टर कहते हैं एंटीफिडेंट्स कहते हैं या ग्रोथ इनिबिटर कहते हैं या फिर सिपलेटॉक्सिन भी कहते हैं तो ये टॉक्सिन किसके अगेंस्ट है पेस्ट के अगेंस्ट अल्सो विद डैट microbial products,

पोपया पोपया स्वीट पेपर टोमेटो एसेट्रा आर सक्सेसफुल ग्रोन एंड दे आर अवेलेबल नाउ इन द फील्ड ओके बिटी कॉटन इज ऑल्सो कमर्शियली अवेलेबल सो समिकॉप्स कैन भी कंसिडर्ड एज माइक्रोबियल बेस्ड प्रोडक्ट्स ओ को तो जैसे uh, हम एक्टिनोमाइसिन ए देखा था तो वैसे ये क्रॉप्स uh, भी है ट्रांजेनिक तो वो भी बायोपेस्टिसाइड्स के माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स ही है उनमें भी माइक्रोब्स का यूज किया है जैसे बिटी कॉटन में हमने बैक्टेरिया का यूज़ किया है तो वो बायोपेस्टिसाइड वो रेजिस्टेंस बन गया पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस उसने एक्वायर कर लिया तो दिस इज ऑल अबाउट द फंगल फंगल बायोपेस्टिसाइड्स प्रोटोजोअल बायोपेस्टिसाइड्स एंड डिफरेंट माइक्रोबियल प्रोडक्ट इन बायोपेस्टिसाइड्स ओके थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग सी हेयर डिस्क्रिप्शन में यू हैवर द नोट्स दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज फाइंड द डिस्क्रिप्शन नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू